तपस्या में रत, योग भावना में रत, अपने लीन जो ईश्वर तुल्य है, सत्य प्रिय एवं सात्विक भाव से विभूषित है, जिनकी दृष्टि देव आशा से विभूषित है, वह ब्रह्मचारी मेरे लिए, वह ब्रह्म स्वरूप देवता, वह ब्रह्म स्वरूप गुरु मेरे लिए अतुलनीय रूप से पूजनीय है। मैं उनका वंदन करता हूं बार बार। नाम महान दिग्विजय नाथ, लेकिन नाम को सिर्फ इसलिए स्मरण आपको नहीं करना है कि आप आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल के एक पार्ट एंड पार्सल हैं, आप उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। आप जहां भी समाज में जाएंगे तो आपसे मां पाटेश्वरी के बारे में, आपसे गोरक्षपीठ के बारे में, आपसे महान दिग्विजय नाथ के बारे में, राष्ट्र संत अवैधनाथ जी के बारे में, और अभी तो हमारे गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मुख्यमंत्री हो गए, उनके बारे में तमाम बातें पूछी। इसलिए दिग्विजय नाथ जी महाराज जी का नाम महत्वपूर्ण नहीं है कि वे प्रसिद्ध श्री गोरक्षपीठ के अधिपति थे, गोरक्षपीठाधीश्वर थे, और इसमें भी महत्वपूर्ण नहीं है नाम कि वह मेवाड़ के प्रसिद्ध सूर्यकुल महाराणा प्रताप के वंशज थे। आपको शायद ना मालूम हो, महान दिग्विजयनाथ जी 5 साल की अवस्था में थे, इतने बड़े इतने छोटे, तो उनको मेवाड़ के राजधानी से जाने किसने गोरक्षपीठ पहुंचा दिया, क्योंकि वहां पर बादशाही खानदान का झगड़ा चल रहा था और उनकी जान को खतरा था। तो वह महाराणा प्रताप का वंशज, वह राजशाही का सुख भोगने वाला वंशज गोरक्षपीठ आकर एक संयोग बन गया, एक उपहार बन गया, एक देवदूत बन गया, और आज के परिवेश में ये दोनों कारण हम समझते हैं कि बहुत सामयिक नहीं है कि वह गोरक्षपीठाधीश्वर थे, वह मेवाड़ के सुप्रसिद्ध सूर्यतुल्य महाराणा प्रताप के वंशज थे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में समागत महाराज जी एक कर्म योगी के रूप में कैसे 5 साल की अवस्था में आकर के पूरे प्रदेश में, देश में, स्त्री युक्ति में छा गए, ये महत्वपूर्ण है। और कर्मयोगी के रूप में जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जो उन्होंने अपनी ख्याति बनाई, जो उन्होंने कर्म अर्जित किए, जो उन्होंने समाज को दिया, वो भारत राष्ट्र के एक शिक्षा सेवी के रूप में उन्होंने करना होता है। डॉक्टर हिंदुत्व की एक मोहर तो उनके ऊपर लगती लगती है, तो अपने समाज की सेवा अपने वचनों से करते थे, अपनी वाणी से करते थे, अपने विचार से करते थे, लेकिन वह कर्मचारी निर्वहन करने के पश्चात वह कैसे एक समाज सेवी बने, शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण बने, और कैसे वह आधुनिक भारतीय राजनीतिक समाज में छा गए, राजनीति भी की उन्होंने आपके लिए, समाज के लिए, और यह प्रदृश्य जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के शैक्षिक महत्व को एकदम से बदल दिया, हम उसकी बात भी आपसे करेंगे कि उनका योगदान क्या। उन्होंने तमाम धर्माचार्यों के लिए, धर्माचार्यों के सामने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से इस तरह से समाज में जो सेवा दी जाती है, राजनीति में आकर के, शिक्षा के क्षेत्र में आकर के, हॉस्पिटल खोल करके, वह स्मरणीय हो जाती है, अनुकरणीय हो जाती है, उदाहरणीय हो जाती है। तो ऐसे थे हमारे महान दिग्विजय नाथ जी महाराज जी, जिनके हम आज यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं, उनको हम याद कर रहे हैं, वर्ष प्रतिवर्ष हम उनको याद करते हैं, और इसीलिए और मैं बता दूं, उसी की कड़ी में जो दिग्विजयनाथ जी ने किया, उसी की कड़ी में अवैधनाथ जी खड़े उतरे, और उनके जो शिष्य इस वक्त जो हमारे गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, महान योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान में आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी निश्चित रूप से समाज की जो सेवा की, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में,
लेकर के वो आगे नहीं बढ़े, उन्होंने ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पेश किया हमारी सेवा की और हमको बचाई। इसके लिए आप उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए यहाँ पर विवश है, बस है ना। तो ये है आज के इस समागम का, यहाँ हम लोग बातचीत का उद्देश्य, हम महंत विद्यनाथ महाराज जी के श्रद्धांजलि क्यों मना रहे हैं, उसका क्या कारण है। कारण स्पष्ट हो गया कि उन्होंने निश्चित रूप से एक कड़ी स्थापित की, एक उदाहरण छोटी बेटी हम नमाज देखते हैं, सुना दीजिए मैं भी सौभाग्यशाली क्योंकि मुझको भी आयोग करना चाहे होने के बाद कॉलेज की सेवा का जो अनुपम अवसर मिला, मैं अपने टीचर्स कहना चाहता हूँ, मैं मंचस्थ और विजय सिंह यहाँ के प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य से कहना चाहता हूँ, बच्चों से कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से मैं बहुत भाग्यशाली रहा। मैं भाव विभोर रहा क्योंकि गोरक्ष पीठ का दर्शन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्य व्यवहार की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। और आपको बता दें कि 3 तारीख से चलने वाला कल तक का जो कार्यक्रम चल रहा है श्रद्धांजलि समारोह का, उसमें एक से एक वक्ता, एक से एक नेता, एक से एक हस्ती आ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज की माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गुरुओं के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए हमको वह सूत्र याद आ जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरुओं का सम्मान करते हैं क्योंकि गुरु ही हमको रास्ता दिखाता है, गुरु ही हमको देता है और गुरु ही हमारा सम्मान करता है, हमको प्यार करता है। तो ऐसे गुरु का सम्मान अगर योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं तो हम भी उनका अनुकरण करते हुए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। या इसके लिए मैं इस संस्था का आभारी निश्चित रूप से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद्यनाथ जी महाराज जी का जीवन कैसे आगे बढ़ा। आपको पता है 5 साल के थे तभी वो मंदिर आ गए, और ये मैं आजादी के पहले की बात कर रहा हूँ। आजादी हमको कब मिली? 1947 में मिली हमको आजादी। लेकिन हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? 1857 में शुरू हुआ, जिसको हम अंग्रेजी में इंडियन म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। लेकिन उस विद्रोह को मंगल पांडे ने शुरू किया था मेरठ से, याद करिए। लेकिन उस विद्रोह को दबा दिया गया, अंग्रेजों से हम अपेक्षित ढंग से संघर्ष नहीं कर पाए और हमको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा आपने, उनका युग समाप्त हो रहा था और उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व में प्रश्न ही न उठ रहे थे। गांधी अलग अपना राग लगा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस अलग अपना राग लगा रहे थे, नेहरू पंडित नेहरू अलग राग लगा रहे थे, और उस वक्त अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजियत में रमे हुए अपने ऑफिस के बाबुओं की एक बड़ी अंग्रेजी फौज खड़ा हो रही थी, बड़ी खंड, और उस वक्त शिक्षा नीति पर बड़ा गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा। देश के समक्ष चुनौती थी कि नई पीढ़ी को भारतीयता के सांचे में हम कैसे ढालें, हम उनको इंडियन कल्चर के मुताबिक जो हमारा वेद है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा दर्शन है, उसमें हम कैसे उनको आगे बढ़ाएं, स्वसंस्कृति स्वदेशी कृष्टि से अनुप्राणित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ाएं, यही एकमात्र उपाय था हमारे सामने। और हमारे भारतीय मनीषियों ने इसको स्वीकार किया 1857 के बाद। और आपको शायद न मालूम हो, 4 फरवरी 1916 को महामना पंडित बोलिए मदन मोहन मालवीय ने BHU राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज विश्व का एक रैंकिंग विश्वविद्यालय है। सही है, क्यों रखा मालूम है? अंग्रेजों का कार्यकाल चल रहा था, लेकिन जिस ढंग से मालवीय जी ने भिक्षाटन करके उस विश्वविद्यालय को कायम किया उसका एक कारण था। और इसी कारण को विद्यनाथ जी ने आगे बढ़ाते हुए 1932 में 1932
25 में गोरखपुर के बक्सीपुर मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में विद्यालय की स्थापना की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम जब आजाद हो जाएंगे, हमारी नई पीढ़ी जब पठन पाठन के लिए उपयुक्त नहीं होगी तो हम नया भारत कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, हम नया भारत कैसे बनाएंगे। और 1932 के एक छोटे से कमरे में एक स्कूल खोला। फिर बाद में ही जो गोरखपुर में महाराणा प्रताप नेचर कॉलेज है, जिसमें भी 5000 से अधिक बच्चे हैं, वो भी गोरखपुर का ही है, आपको पता होगा, वैसे भी तो वही रहते हैं उसी कैंपस में रहते हैं, इनको पता है। आज वहाँ 5000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। अभी मुझको किसी 31 तारीख को वहाँ के प्रिंसिपल 43 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए, तो उनके फेयरवेल कार्यक्रम हमको जाने का मौका मिला। तमाम बातें हमने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से सीखी। और 1932 में वो स्थापित स्कूल अब 43 संस्थाओं से युक्त हो गया। कितने संस्थाएं हैं वहाँ? 43, गोरखपुर, महाराजगंज, बलरामपुर, बनारस आदि में 43 संस्थाएं।